नाथ की जय। श्याम सुंदर श्यामे महारानी की जय। श्रीराज धरण की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वाग्पते नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनि वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगारिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमत्कथा संश्रवणोपयोगी श्रोत्रं ददौ यः करुणारसाभिः। कथामृतास्वादनमूढचित्ता गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। बर्हाबीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। श्रीवाक्पतये नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। आइए मन को सावधान कर अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आप श्री के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। श्री वल्लभ चरण शरण थकी पड़े सो सहलू। यह सिद्धांत के अनुसार जब श्री वल्लभ प्रभु की कृपा होती है तभी पुष्टि भक्ति हृदयारूढ़ हो पाती है। वाक्पति वैश्वानर रसात्मक अप्राकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान धर कोटि कोटि आपके चरणों में दंडवत। एवं श्रीजी मंदिर एले के माध्यम से यह जूम सत्संग में उपस्थित आप सब आत्मीय जनों वैष्णव वृंद
अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि भगवत कृपा से यह द्विदिवसीय कार्यक्रम, दो दिन हम और आप साथ में रहेंगे और भगवत शरणागति इस विषय को केंद्र में रखते हुए मनोमंथन, आत्ममंथन करने का प्रयास करेंगे। दो बातें मैं आपसे पूर्व में कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो बड़ी सावधानी से, एकाग्रता से और सत्संग की मर्यादा को निभाते हुए आप सब सत्संग में बैठेंगे, ये मैं आशा रखता हूं। यह आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी जूम के माध्यम से हम जब इस प्रकार की परिस्थिति में सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारी एक और जिम्मेदारी ये भी बनती है कि सत्संग की गरिमा को बना के रखें। खाते पीते, उठते बैठते, अन्य कामकाज करते हुए, फोन पे दूसरी जगह बातचीत करते हुए, तो ये सब सत्संग की गरिमा को कम करता है, उसकी महिमा को घटाता है। जितना आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे, एकाग्रता रखेंगे, जितना आप रिस्पेक्ट देंगे, जैसे ग्रंथों की कृपा भी कब होती है कि जब हम ग्रंथों को रिस्पेक्ट दें, उनका आदर सम्मान करें। केवल घर में किताबें रखी हो तो उसमें भी उनका सम्मान नहीं है जब तक हमारे हाथों में न आए, जब तक उसका हम वांचन न करें। और वांचन करते समय भी, जैसे हम सदग्रंथ हमारे जब पढ़ते हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई नॉवेल नहीं है कि लेटे लेटे भी पढ़ लिया। तो गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से जब हम सत्संग में यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तो मैं आप सबसे आशा रखूंगा, क्योंकि इतने समय से ये श्री जी मंदिर के माध्यम से आप लोग ये वर्चुअल सत्संग कर रहे हैं और उसमें भी हमारे प्रिय आत्मीय स्मिता बहन, जिनका विशेष योगदान ये सब जो पल्लव वंशजों का पदार्पण हो रहा है, वचनामृत हो रहे हैं, उसमें स्मिता बहन का विशेष प्रेम, उनका आग्रह और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ तो स्मिता बहन सुनील भाई का एक विशेष आत्मीय प्रेम संबंध रहा हुआ है। एक सेवक स्वामी, गुरु सेवक ये तो है ही, लेकिन साथ में एक बड़ी आत्मीय पारिवारिक प्रेम भी, क्योंकि ऐसे ऐसे उत्सव, हमारे जो त्योहार हैं, राखी आदि जैसे प्रसंग, उनके घर पे हमने बड़े प्रेम भाव से उसको मनाया है, तो सब मधुर स्मृतियां हमारे मानस में हैं। तो स्मिता बहन का विशेष योगदान ये सब कार्यक्रम में रहा हुआ है, उनकी मेहनत रही हुई है। तो फिर जब हम इतनी आप सब मेहनत करते हैं तो फिर सावधानी रखना ये भी जरूरी है। तो जूम में आप एकाग्रता से, अन्य सब कार्य जो भी हमारे पास एक सवा घंटा, डेढ़ घंटा जो भी समय है, इससे महत्व का काम और कोई नहीं हो सकता, ये बात को आप स्वीकार करना। सत्संग से विशेष और चीज क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। एक तो बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सत्संग भी कब मिले कि जब ठाकुर जी की कृपा हो। जैसे मैं आपको श्री कुम्मन दास जी का प्रसंग का अनुसंधान करवाऊं, एक दिन उदास बैठे हुए तो श्री जी बाबा ने पूछी कि अरे कुंभना उदास क्यों है? तो कुम्मन दास कहे कि जयराज, घर में सत्संग नहीं है। श्री जी कह रहे हैं, अरे ये कैसी बात कर रहे हो, मैं साक्षात तेरे सामने बैठो गयो हूं, तेरे साथ खेल रहे हूं, तुको मैं लीला में अपने साथ ले जाऊं और तू कह रहे सत्संग नहीं है। तब कुम्मन दास कहें कि जयराज, आप तो कहां नहीं विराज रहे हैं, आप तो सर्वत्र हैं, आपकी कृपा तो सदा सर्वदा है, परंतु प्रभु आप रस स्वरूप और आपके सर्वांगी रस को अनुभव प्राप्त करने के लिए सत्संग परम आवश्यक है।
जब तक सत्संग नहीं होवे तब तक जीव आपके सर्वांग स्वरूप को जान नहीं पावे। ये वचन सुन के श्री जी बाबा बड़े प्रसन्न भए और आपसे ने कहा आज्ञा करी कि तुकु सत्संग मिलेगा। और फिर आप ग्रंथ आपने वांचन कियो होगो तो वह समय प्रसंग में आवे के आगे एक दिन के बाद जब कुमन दास को श्री जी बाबा माखन चोरी में ले गए और ग्वालन के ऊपर चढ़कर जब श्री जी बाबा ऊपर मटकी हाँ गोपी के घर में चोरी कर रहे थे तो वही समय कहा आप सब सखाएं भी साथ में हैं और श्री जी बाबा की जो पीछे की पटली लांग है धोती थोड़ी सरकी तो दो हाथ तो ऊपर मटकी में और दो हाथ पीछे से आपने प्रकट करके अपनी धोती को लांग को संभाली। चतुर्भुज स्वरूप से श्री जी बाबा ने कुमन दास को दर्शन दिए और वही दिना उनके घर में पुत्र प्रकट हुए की बधाई मिली तो उनको नाम रखो चतुर्भुज दास। और जैसे कि वार्ता जी में ये प्रसंग आता है ये बात हमें प्राप्त होती है कि कुमन दास जी चतुर्भुज दास जी बड़े प्रेम भाव से आपस में सत्संग करते भाव भावना लीला भावना आदि एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते। तो ये प्रसंग से हमें पता चलता है कि जब ठाकुर जी की कृपा होती है प्रभु की कृपा हो तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है ये बात आप समझ जाइए। यानी जब हम इस कृपा पात्र बने हैं सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं तो फिर सावधानी ये परम आवश्यक है। एकाग्रता तो आप सब अपनी एकाग्रता बना के रखेंगे सावधानी रखेंगे अन्य सब कार्यों को आप गौण कर देंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं क्योंकि सत्संग के माध्यम से रसरूप भगवान हमारे श्रवणेंद्रिय के माध्यम से हमारे हृदय में पधारते हैं। जब हम सत्संग करने के लिए बैठते हैं ग्रंथों का वांचन करते हैं पाठ आदि करते हैं जप स्मरण आदि करते हैं ये भी एक प्रकार की सेवा है। देखिए दो सेवा है एक स्वरूप सेवा और एक नाम सेवा। जब ठाकुर जी के आप सन्मुख में हो तो वो स्वरूप सेवा कही जाती है और अनवसर आदि का जो काल है जैसे अभी प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी के सन्मुख नहीं है अनवसर जब सेवा का अवसर न हो तब हमारे आचार्यों ने हमें दूसरी जो सेवा बताई वो कौन सी नाम सेवा। ठाकुर जी के लीला का गान करो श्री आचार्य जी के ग्रंथों का अवलोकन करो उसके लिए समय निकालें तो ये भी एक प्रकार की नाम सेवा है। और ये नाम सेवा के माध्यम से रस रूप भगवान हमारे कर्णेंद्रिय यानी कान के माध्यम से हृदय मंडल में प्रवेश करते हैं। भगवान का प्राकट्य दो प्रकार से होता है एक तो साक्षात स्वरूप से और दूसरा है सबसे पहले तो भगवान अपने अंतर में प्रवेश करते हैं। ध्यान सुनिएगा ध्यान से ऋषि आचार्य जी ने सुबोधि जी में कही हुई बात है जो मैं आपको स्मरण करवा रहा हूं। एक प्रभु का प्रागट्य हृदय में होता है और दूसरा साक्षात स्वरूप से। साक्षात स्वरूप से भगवान प्रकट हो उसके पहले प्रभु आप भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। जैसे अवतार काल में भगवान का जो प्राकट्य हुआ तो वो जो भगवान का जो प्रागट्य हुआ देवकी जी वसुदेव जी के जो माध्यम से वो भी वहां पे कोई लौकिक संबंध नहीं है। प्रभु का प्रागट्य कोई लौकिक संबंध से नहीं हुआ वैधि दीक्षा के माध्यम से वसुदेव जी ने देवकी जी के अंदर गर्भ स्थापित किया है। ये एक प्रकार की दीक्षा का प्रकार है अलग अलग दीक्षा के प्रकार कहे जाते हैं। जैसे कई बार गुरु अपने वचनामृतों के माध्यम से गुरु के अंदर रहा हुआ जो आत्मबल है वह तेज को शिष्य के अंदर स्थापित करता है। कई बार गुरु नेत्रों के द्वारा अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा स्वयं में रहा हुआ जो तेज आत्मबल है वह शिष्य के अंदर धारण करता है शिष्य के अंदर पधराते हैं। कई बार गुरु अपने में रहा हुआ जो आत्मबल तेज है वह मंत्र के माध्यम से शिष्य के अंदर स्थापित करता है। तो ये सब दीक्षाओं के प्रकार है। सबसे पहले तो स्वयं गुरु अपने आप में वह बल सामर्थ्य तेज को धारण करता है और फिर
कभी दीक्षा के माध्यम से, कभी मंत्र के माध्यम से, कभी स्पर्श के माध्यम से, कभी नेत्र के माध्यम से। तो ये अलग अलग दीक्षाओं के प्रकार है। तो भगवान का भी जो प्रागट्य हुआ, वसुदेव जी ने वेदी दीक्षा के माध्यम से देवकी जी के अंदर गर्भ स्थापित किया, अर्थात अपने नेत्रों के माध्यम से वह जो अलौकिक तेज है वह देवकी जी के अंदर स्थापित किया। भगवान वसुदेव जी की बुद्धि में प्रवेश किए और फिर अपने नेत्रों के द्वारा देवकी जी के अंदर पधारे। और देवकी जी के अंदर जब भगवान का प्रागट्य हुआ तब जन्म प्रकरण के अंतर्गत वर्णन आता है कि इतना तेज बढ़ गया, यहां तक कि कंस को भी पता चल गया कि अब मुझे मारने वाले का जो जन्म है, मुझे मारने वाला जो है वो अब देवकी के गर्भ में स्थापित हो चुका है। श्री आचार्य जी सुबोधनी में बात करते हैं, ये प्रसंग चल रहा है तो मैं थोड़ा सा उसका अनुसंधान करवा दूं। श्री आचार्य जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि ये जब देवकी के अंदर भगवान का प्रवेश हो गया है और जब ये कंस को पता चला तो कंस चाहता तो उस समय ही देवकी को मार सकता था, लेकिन कंस ने ऐसा नहीं किया, उसने प्रतीक्षा करी, मन में सोचने लगा कि इस समय अभी उसको मारना योग्य नहीं होगा, इस प्रकार से शांत हो गया, प्रतीक्षा करने लगा। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये प्रमाण है कि देवकी जी के अंदर भगवान का प्रवेश हो गया, क्योंकि जिसके अंदर भगवान का आवेश, भगवत आवेश हो जाए, भगवान का प्रवेश हो जाए, उसके दर्शन करने से बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। यानी कंस ने जब देवकी के दर्शन किए तो उसकी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई, क्योंकि देवकी के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया। तो ये प्रमाण है कि जिसके अंदर भगवत आवेश हो जाता है, भगवान पधारते हैं। जैसे सूरदास जी के भीतर, सूरदास जी के चर्म चक्षु तो थे नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की समस्त लीलाओं के दर्शन किए, यहां तक कि एक दिन तो गादिया देखी और हरि आज मैंने नंगम नंगा, आंख की रेखा भी नहीं है, फिर भी सब ठाकुर जी के लीला के दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। कैसे? आत्म चक्षु द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी तो उनके हृदय में रमण कर रहे हैं। प्रसंग आता है ना कि जब ऊपर से मंदिर में से कीर्तन गान करके जब गिरिराज जी पे से नीचे उतर रहे थे, सूरदास जी हाथ में लकड़ी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, सायंकाल का समय, जहां कहीं गिरने जा रहे थे वहीं पे शिजी बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनके प्राण की रक्षा थे। सूरदास जी मन में सोचने लग गए कि सायंकाल का समय, रात्रि का समय, किसने मुझे बचाया। मन में यह भाव आया कि ये तो मेरे प्रभु ही होंगे, मेरे श्रीजी ही होंगे। इच्छा जागृत हुई कि श्रीजी ने तो मुझे पकड़ा, अब मैं भी उनको पकड़ूं, उनके स्पर्श का आनंद लूं। और जहां श्रीजी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो श्रीजी बाबा कुदकी लगाकर दूर खड़े हो गए, कुद के दूर खड़े हो गए, मंद मंद मुस्कुरावे लगे। प्रभु की ये लीला देख के सूरदास जी ने क्या गाया, बाह छुड़ा के जाते हो निर्बल जानी के मोहे, जो हृदय छोड़ जो जाओ तो साचो मरद बखानू तो है। कितनी बड़ी बात कर दी, आप विचार तो करो कितना बड़ा अधिकार है भक्तों को। ये भगवत कृपा का प्रमाण है कि ठाकुर जी भक्तों को कितना बल प्रदान करते हैं, कितना सामर्थ्य देते हैं। हृदय छोड़ जो जाओ तो साचो मरद बखानू तो है, ये कितनी बड़ी बात सूरदास जी कह रहे हैं। यानी जब जीव के अंदर इस प्रकार का निष्काम भाव जागृत होता है तब ठाकुर जी उसके हृदय में रमण करते हैं, उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। जब जीव ठाकुर जी की लीला का नित्य निरंतर अनुसंधान करता रहे तब रस रूप भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके हृदय में मिलन की ताप बढ़ती है, ताप बढ़ता है, तब साक्षात स्वरूप से ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। कोई कहे कि प्रभु दर्शन दो, कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, तो भाई जेलवा माटे पात्र पण होवू जोईए ना। विचार तो करो, ठाकुर जी करतुम करतुम अन्यथा करतुम ऐसे अलौकिक अप्राकृत स्वरूप, आप वो रस को झेलने के लिए पात्र भी तो होना चाहिए साक्षात स्वरूप से।
अपन इच्छा रखते हैं कि साक्षात स्वरूप से दर्शन हो जाए, लेकिन कभी विचार करो क्या ये योग्यता मेरे अंदर है, क्या मैं उनको झेल पाऊंगा। अरे अर्जुन जैसे प्रभु के जो विराट स्वरूप था उसको नहीं झेल पाया, वो जो तेज, वो जो ऐसा तेजोमय स्वरूप आपका, ये तो भगवान ने दिव्य ददामि ते चक्षु ऐसा अलौकिक सामर्थ्य प्रदान किया, तो वो भगवत स्वरूप को देख पाया, दर्शन कर पाया। बाकी अर्जुन जैसा जीव जो प्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाए, तो भी साधारण जीव की क्या बात करी। यानी जब भगवत लीला का गान करते करते ठाकुर जी रस रूप जब भक्त के हृदय प्रवेश करते हैं और जब जीव को मिलन की ताप बढ़ती है, तब साक्षात स्वरूप से ठाकुर जी उसको दर्शन देते हैं। आप देखिए ध्रुव जी के सामने भी जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी खुद उनके हाथ पांव जड़ हो गए, स्तब्ध हो गए। क्या बोलूं, बहुत कुछ बोलने की इच्छा थी लेकिन बिल्कुल चुप, बोल ही नहीं पाए। ठाकुर जी साक्षात खड़े हुए, क्या बोलूं। ये तो प्रभु ने फिर शंख का स्पर्श कराया और वाणी स्फुरित भई, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां। प्रभु आप ही हमारी वाणी को जागृत करते हैं, आपके ही द्वारा ये समस्त इंद्रियां चेष्टा करती हैं। मूल बात प्रियजनों, कहने का प्रयोजन ये है कि ये भगवत कथा यानी सत्संग को बड़े सावधानी से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि रस रूप भगवान स्वयं कानों के माध्यम से कर्णेन्द्रिय के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वचनामृत में शिक्षा पत्र में कहा गया है कि सेवा के समय सावधानी रखनी, यानी उसी प्रकार से जब हम सत्संग कर रहे हैं, नाम सेवा कर रहे हैं, तो उस समय भी सावधानी रखनी परम आवश्यक है। तो पहली बात तो आप सब बड़ी सावधानी से एकाग्रता से श्रवण करेंगे, और दूसरा आग्रह मेरा ये भी है कि ये जूम से जो भी जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, कई लोगों को मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो उन लोगों को भी मेरा आग्रह है कि हो सके, संभव हो, आप अपना कैमरा भी ऑन रखें कि जिससे मैं आपको भी देख पाऊं, तो संभव हो वहां तक आपके भी दर्शन हो तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। आप तो मुझे देख पाते हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पे नाम आ जाता है और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक खाली रहती है, तो फिर यूं होता है सामने कोई बैठा है कि बैठा भी नहीं है, कि सिर्फ ऑन करके चला गया। क्योंकि कई बार समझदार वैष्णव ऐसा भी पड़ा करते हैं, कैमरा बंद, यहां पे ऑन, हाँ भाई सुन रहे हैं, लेकिन किसको पता वो बैठा है कि नहीं, क्योंकि स्क्रीन के वो पार क्या हो रहा है मैं तो देख नहीं पा रहा। तो मेरा आग्रह, एक दूसरा आग्रह आपको ये भी है कि ये एक अच्छा माध्यम है जूम, जहां हम एक दूसरे को देख पाए, सुन पाए, सत्संग कर पाए। तो फिर ये छुपे रहकर, हाँ ऐसे नहीं, खुलकर सामने आकर बैठे तो हमें भी प्रसन्नता हो। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। तो यहाँ पे पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, बोलने में भी आनंद आएगा। और जूम इसीलिए तो है, बाकी तो यूट्यूब में आपको प्रवचन में तो मिल ही जाते हैं सुनने के लिए, स्क्रीन पे आप चालू कर लो तो आप देख सकते हो, लेकिन ये क्यों है कि हम दोनों एक दूसरे को देख पाए। देखो ये मैंने कहा तो कुछ लोगों ने कैमरे ऑन किए तो मुझे खुशी हुई, अच्छी बात है। तो बस ये दो बात जो मैंने कही उस पर ध्यान सावधानी रखकर, ये द्विदिवसीय जो दो दिनों का आज और कल ये जो सत्संग का समय है, आइए सत्संग का प्रारंभ करें। बड़ी प्रसन्नता में व्यक्त करते हुए कि श्रीजी मंदिर, आप सब वैष्णवों ने पुनः मुझे याद किया। कुछ समय पहले भी हम कुछ विषय को लेकर सत्संग में जुड़े थे और आज पुनः शरणागति, भगवत शरणागति विषय को ध्यान में रखते हुए ये दो दिन सत्संग करेंगे। तो विषय के पहले आइए भूमिका में प्रवेश करें। शिवल्लभाधीश की जय। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। एक तो मानव जन्म ये अत्यंत दुर्लभ है और साथ ही साथ क्षण भंगुर भी है, क्योंकि कितना समय हम रहेंगे, हमारी कौन सी क्षण अंतिम क्षण है ये कोई जानता नहीं। निश्वासे किम विश्वासो कदा रुद्धो
भविष्यति। तो ये क्षण भंगुर, ये मानव जन्म जो केवल और केवल भगवद कृपा का ही प्रसाद है। एक बात हमेशा याद रखें कि यह मानव जन्म हमको न तो हमारे कोई प्रारब्ध के कर्म, न कोई हमारे पुण्य आदि ऐसे कोई कर्मों का संचय कि उसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, केवल और केवल ईश्वर कृपा, भगवद कृपा, ठाकुर जी की कृपा हुई जिस कारण से ही हमें ये मानव योनि मिली। अब जब इतना दुर्लभ मानव जन्म भगवान ने हमको दिया तो इसके साथ ये प्रश्न एक जुड़ जाता है कि अब ये जीव का कल्याण कैसे हो, आत्म कल्याण कैसे हो, यह मनुष्य का, इस जीव का मुख्य लक्ष्य क्या है। ये बड़ा ही महत्व का प्रश्न है क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियों में से 83,99,999 इन सब योनियों को भोग योनि कहा जाता है। भोग केवल उनकी योनि के अनुसार उनको भोग भोगने हैं, लेकिन मानव योनि ये भोग योनि नहीं अभी तो कर्म योनि है। हम मनुष्य दिव्य कर्म कर सकते हैं और कई ऐसे महान पुरुष हुए, महद आचार्य हुए, ऐसे ऐसे मनुष्य हुए प्राचीन काल में, अर्वाचीन काल में, जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने कर्म से वह यश की प्राप्ति करी है, अपने जन्म को सार्थक किया। आप देखिए रावण जैसा ब्राह्मण, उच्च कोटि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, लेकिन अपने दुष्कर्म के चलते वो राक्षस हुआ। और हमारे शास्त्रों में कई ऐसे प्रमाण ये भी मिलते हैं कि बड़ी ही हीन जाति में जन्मे हुए, लेकिन अपने दिव्य कर्मों से ब्राह्मण योनि को प्राप्त हुए, उच्च गति उनकी हुई। तो सब लेखा जोखा कर्म का है। तो यह दुर्लभ क्षण भंगुर मानव योनि प्राप्त होने के पश्चात सबसे मुख्य लक्ष्य, मुख्य बात कि हमारा मुख्य कर्म क्या है, हमारा आत्म कल्याण किसमें। जैसे जगन्नाथ जी भगवान ने तो ये कहा, कर्मो एको तस्य देवस्य सेवा, कृष्ण की सेवा करना यही मुख्य कर्म है। अलग अलग आत्म कल्याण के मार्ग हमारे सनातन हिंदू परंपरा में प्राप्त होते हैं। हम अपने पुष्टि मार्ग की बात करें तो पुष्टि मार्ग में सेवा के द्वारा जीव अपना आत्म कल्याण प्राप्त कर सकता है, जीव का कल्याण होता है, उसका जन्म सार्थक होता है। जब जीव भगवत सेवा करे, इसलिए गोपी जनों ने वेणु गीत के अंदर अक्षण वताम फलमिदम न परम विदामह सख्यह पशु ननु विवेशयतोर वयस्यै, यह गीत के माध्यम से, यह श्लोक के माध्यम से बताया कि मनुष्य का, जीव मात्र का, इंद्रियधारी का, जिनके इंद्रियां हैं, ऐसे जीव का फल क्या है। जैसे अक्षण वताम फलम इदम न परम विदामह, अक्ष का एक अर्थ है आंख। आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि अक्ष केवल यहां पे ये गोपियों ने आंख के ही संदर्भ में नहीं कहा, अपितु एकादश इंद्रियां, यानी जो एकादश इंद्रियां हैं, जिनके जो इंद्रिया वाले हैं, इंद्रिय वाले जो हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, इन इंद्रियधारी का मुख्य फल क्या है कि ये इंद्रियां भगवत सेवा में इसका विनियोग हो जाए। हर एक इंद्रियों के एक एक देवता रहे हुए हैं और जब ये इंद्रियों का विनियोग भगवत कार्य में होता है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में इसका विनियोग होता है, तब वह देवता भी उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो भी प्रसन्न होता है। तो समस्त इंद्रियधारियों का मुख्य फल मुक्ति इसका फल नहीं है, भक्ति सेवा। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार,
नित्य सेवा नित्य औसव कीर्तन निरखवा नंद कुमार। इसलिए वैष्णव कभी मुक्ति नहीं चाहता, मुक्ति में तो एक प्रकार का लय है, मिल जाना, लेकिन यहां पर पुष्टि मार्ग में शुद्धाद्वैत के अंतर्गत द्वैत अद्वैत दोनों को यहां पर स्वीकार किया गया। अब अद्वैत भी है और अद्वैत में एक द्वैत भी है। अद्वैत मतलब जहां पे अद्वैत मतलब जहां पे भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है। सत्संग में हम बात कर रहे थे दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, और यह क्षण भंगुर जीवन के अंतर्गत पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के लिए मुख्य जो उसका परम लक्ष्य है या उसके आत्मकल्याण का जो मार्ग है वह है भगवद सेवा और हमारी समस्त इंद्रियों को भगवद कार्य में लगा देने से ही यह जन्म यह देह यह इंद्रियों की सार्थकता सिद्ध होती है। तो जहां अब भगवद सेवा की बात है तो ये जो सेवा का जो अधिकार है यह सेवा का अधिकार किस प्रकार से जीव को प्राप्त हो उसके लिए हमारे आचार्यों ने भगवद शरणागति जिसको हम आत्मनिवेदन कहते हैं, अहमता ममता की निवृत्ति के बाद ही जीव को फल रूपा सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। अहमता ममता की निवृत्ति के बाद ही उस जीव की सेवा फल रूपा सिद्ध होती है या बन पाती है। सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक साधन रूपा और फल रूपा। यहां मैं जो फल रूपा सेवा की जो बात कर रहा हूं उसका अर्थ यह है कि ठाकुर जी भी उसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। जब ठाकुर जी मांग मांग के आरोगने लग जाएं, ठाकुर जी सानुभावता जताने प्रारंभ कर दें, तो वो हमारी की हुई सेवा वो फल रूपा सिद्ध हो जाती है। और ये फल रूपा सेवा कब हो कि जब हमारी अहंता ममता की निवृत्ति होती है। इसलिए हम प्रभु की शरणागति स्वीकार करते हैं, ब्रह्म संबंध लेते हैं, आत्मनिवेदन लेते हैं, क्योंकि आत्मनिवेदन के बिना, शरणागति के बिना भगवान उस जीव के बंधन में बंधते नहीं है। आप देखिए ब्रजलीला के अंतर्गत एक प्रसंग आता है जो ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण लीला करी, और ये जो प्रभु की जो मृतिका भक्षण जो लीला है, ये जो हम शरणागति की जो बात कर रहे हैं इसमें ये एक बड़ा ही मुख्य प्रसंग है। जब ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण लीला करी और जो प्रभु के सखा आदि जो गण थे वह सखा सब जाके जब यशोदा जी को जाके कहा कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई, और फिर ठाकुर जी भी पधारे, लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल के दिखा, मुंह खोला तो उसमें यशोदा जी को क्या दिखाई दिया, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। ये लीला आपने कथा का श्रवण आपने पूर्व में किया हो। तो ये जो मृतिका भक्षण आपने करी और जो ब्रह्मांड के दर्शन भगवान ने यशोदा जी को करवाए उसका बड़ा ही सुंदर विशिष्ट भाव से आचार्य चरण उसका प्रयोजन समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये लीला के द्वारा श्री ठाकुर जी ने यशोदा जी के मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब विचार करें कि यशोदा जी का कौन सा मनोरथ है। तो एक बार यशोदा जी के मन में विचार आया कि जितना स्नेह मैं लाला से करती हूं क्या उतना ही स्नेह वो मुझसे भी करता है, जितना प्रेम मैं करती हूं क्या वो इतना प्रेम मुझसे भी करता है क्या, और शायद करता भी हो, जितना मेरे मुझे उससे लगाव है उसको भी मुझसे हो लगाव, लेकिन ये सिद्ध कैसे हो, इसका प्रमाण कैसे मिले। यशोदा जी के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई और फिर यशोदा जी ने अपने ही भाव के अनुसार एक निर्णय लिया
कि यदि श्री कृष्ण वास्तव में मुझसे प्रेम करता हो तो वह मेरे प्रेम के बंधन को स्वीकार करेगा। यदि वो मेरे प्रेम के बंधन में बंधेगा, मेरे प्रेम का बंधन स्वीकार करे, तो फिर मैं मान लूं कि हां, मैं जितना प्रेम उससे करती हूं वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करता है। यानी ये जो आगे चल के जो दामोदर जो लीला हुई उसके पूर्व की ये भूमिका है, पीठिका है। तो ठाकुर जी को प्रभु को बांधने की इनको इच्छा हुई। तो भगवान ने यहां मृतिका भक्षण लीला द्वारा यह प्रमाण देना चाहा कि बंधन में तो मैं बंधना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए दो समस्याएं हैं। देखिए ये सुबोधिनी जी के सार रूप है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रभु बंधन में तो बंधना चाहे, लेकिन उसके लिए दो समस्याएं हैं। एक श्याचार्य जी समझाते हैं कि बंधन यह तो रजोगुण से होता है और भगवान तो निर्गुण है, और निर्गुण भगवान को बंधन स्वीकार करने के लिए रजोगुण स्वीकार करना पड़ेगा पहले, तो इसलिए ब्रज की रज को ही भगवान ने रजोगुण मानकर आपने उस रज को स्वीकार किया, उसका भक्षण किया, क्योंकि बंधन वो रजोगुण का स्वरूप है और वही रजोगुण को भगवान ने ब्रज रज में स्थापित कर वह रज को आपने मृतिका भक्षण से स्वीकार किया कि जिससे यशोदा जी का जो मनोरथ है वह पूर्ण किया जाए। अतः आप स्वयं ब्रज के ब्रज रज से रजोगुण की प्रतिष्ठा की ताकि यशोदा जी के बंधन को आप स्वीकार कर पाए। और दूसरी जो बात है कि पुष्टि मार्ग की यह एक रीत है कि जब तक कोई भी जीव जब तक भगवान की शरणागति नहीं स्वीकारता तब तक भगवान उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधते। जब तक शरणागति जीव स्वीकार न करे तब तक भगवान उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधते। आप देखिए जैसे रसखान जी की वार्ता जी आपने पढ़ी होगी, जब रसखान जी किसी भी संप्रदाय में जब वह पुष्टि मार्ग में शरणागत नहीं हुए थे तो उस समय स्थिति क्या हुई, उनके प्रेम के चलते श्री जी ने उन पर कृपा करी, उनको दर्शन दिए खेलते, पर जब रसखान जी श्री जी को पकड़ना चाहा तब श्री जी वहां से भाग गए। कृपा करना ये भगवान का धर्म है, सहज है, लेकिन जब रसखान जी ने ठाकुर जी को पकड़ना चाहा तो वो भाग गए, प्रभु भाग गए। देखो यहां पे ध्यान देने की चीज ये है कि जिस प्रकार से भगवान प्रेम करने में किसी भी जीव के साथ स्वतंत्र हैं, ऐसे ही भगवान भाग जाने में भी स्वतंत्र हैं। उस प्रेम से वो हमारी पकड़ में रहेंगे, टिकेंगे, या उसकी कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। और यशोदा जी तो स्थिर रूप से उनको बांधना चाहती हैं, लेकिन पुष्टि भक्ति मार्ग के अनुसार उनकी भक्ति मार्गीय रीत से शरणागति हुई नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान तो सबकी आत्मा स्वरूप है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो स्वीकारेंगे। ठीक है तुम्हारी ये बात तत्वतः कि तुम्हारा प्रेम भाव तुम उनके अंश हो, अंश और अंशी का संबंध है, तो तुम्हारी भक्ति प्रेम को वो स्वीकारेंगे, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारे पे प्रेम करना, जिस प्रकार से रसखान जी का हमने जो प्रसंग लिया, उनके उनके ऊपर कृपा करी, लेकिन भाग जाने में भी भगवान स्वतंत्र हैं। बंधेंगे कब, कि जब भक्ति मार्गीय शरणागति होगी। इसलिए ब्रह्म संबंध लेना परम आवश्यक है। क्यों हमें ब्रह्म संबंध लेना है, जब अंशी और अंश का संबंध नित्य है फिर ब्रह्म संबंध क्यों? वह अंश अंशी संबंध नित्य भले ही हो, लेकिन जब तक जीव शरणागति नहीं स्वीकारता तब तक भगवान उसके प्रेम के बंधन में बंधते नहीं है। इसलिए हम गुरु के पास जाकर हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो कई लोग कहते हैं हमने गुरु बनाए, हमने गुरु बनाए। भैया तूने गुरु नहीं बनाए, तू आज शिष्य बना है, तू आज सेवक हुआ है। हमने गुरु बनाए,
हमने ब्रह्म संबंध लिया, अरे तेने क्या लिया, ये तो ठाकुर जी ने तुझे खींचा है। यमे वेशे वृणते तेन लभ्यः, भगवान ने तुझ पर कृपा करी है इसलिए तेरा ब्रह्म संबंध हुआ, तेने दीक्षा ली, हम सेवक हुए। अब यशोदा जी भी ठाकुर जी को बांधना चाहती हैं, यानी ये जो प्रश्न कई बार हमारे सामने उपस्थित हो जाता है इस संसार में, तो इस बात को याद रखिएगा, क्यों दीक्षा लेनी है, क्यों गुरु की शरणागति आवश्यक है, कि वह शरणागति के द्वारा कि ठाकुर जी हमारे बंधन से, क्योंकि प्रभु तो स्वतंत्र हैं, जैसे कृपा करना उनका सहज स्वभाव है तो वो भाग भी जा सकते हैं, लेकिन जब प्रेम, जब शरणागत जीव होता है तो ठाकुर जी उससे बंध जाते हैं। तो अब यशोदा जी का जो ये मनोरथ है कि मुझे बांधना है, पर अब विचार किया जाए यशोदा जी के अंदर शरणागत भाव है नहीं, उनके अंदर तो वात्सल्य भाव है। अब शरणागति दास भाव के बिना प्रभु उनके बंधन में बंधेंगे नहीं, ये दूसरी समस्या आई है? तो पहले जो मृतिका भक्षण करी आपने रजोगुण को, पहली समस्या का तो आपने निराकरण कर दिया, रजोगुण को आपने स्वीकार किया ठाकुर जी ने। और अब ये जो शरणागति की बात है कि यशोदा जी की शरणागति कैसे सिद्ध करवाई जाए, यशोदा जी जो प्रभु को बांधने का मनोरथ है वह कैसे सिद्ध किया जाए, तो भगवान ने ये मृतिका भक्षण के द्वारा, जब यशोदा जी ने कहा कि मुख खोल के दिखा, तब यशोदा जी ने जब देखा तो क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा जी को श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सात अत्र ददृशे विश्वम जगत स्थानु चरिष्णुचु सात द्वीपाप दी भूगोलम सवायागति दुतारकम। देखिए यहां पे जो वर्णन किया गया, सात अत्र ददृशे विश्वम जगत, यहां पे दो बार दो शब्दों का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, दो शब्द विशेष रूप से दिए गए, एक तो विश्व और दूसरा है जगत। इसका अर्थ क्या हुआ कि ठाकुर जी ने केवल यशोदा जी को ऊपर ऊपर से ही विश्व को नहीं दिखाया, अपितु विशेष प्रकार से ज्ञान पूर्वक सर्व पदार्थों के ठाकुर जी ने दर्शन यशोदा जी को करवाए। स्थावर वायु अग्नि चंद्र तारा पर्वत द्वीप समुद्र समेत पृथ्वी के गोले को, पूरे ब्रह्मांड को श्री ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद में यशोदा जी को दर्शन करवाए। इसलिए यहां पे सातत्र ददृशे विश्वम जगत, विशेष प्रकार के दर्शन यशोदा जी को हुए। अब विचार किया जाए कि ठाकुर जी के इतने छोटे से मुखारविंद में पूरा विश्व है? पूरा विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुखारविंद में, लेकिन याद रखें प्रभु तो अक्लिष्ट कर्मा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य सहित, अक्लिष्ट कर्मा, कर्तुम जो करने वाला, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, अकर्तुम जो कोई न कर सके ऐसा कार्य, अन्यथा कर्तुम जो कोई विचार न कर सके ऐसा कार्य, जो कोई न कर सके। एक प्रसंग का स्मरण हो रहा है, शायद आपने पूर्व में कभी श्रवण किया हो, मैं आपको उसका स्मरण कराऊं। एक बार की बात है, नारद जी भगवत दर्शन करके दुर्योधन से मिलने के लिए आए, दुर्योधन से मिले और भगवत स्मरण हुआ। दुर्योधन ने पूछा कि नारद जी आप कहां से पधारे, तो कि मैं द्वारिका से आया। कि अच्छा, तो कि बताइए द्वारकाधीश क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? तो नारद जी कहने लगे कि द्वारकाधीश को तो एक बड़ा ही विचित्र खेल अभी सूझा है, बड़ी विचित्र लीला कर रहे हैं, बड़ा विचित्र खेल खेल रहे हैं। दुर्योधन ने पूछा अच्छा ऐसा तो कौन सा खेल है, बताओ तो भाई, बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं ऐसा देख कर आया कि ऐसी आप खेल खेल रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं कि एक सुई का जो छेद होता है उस छेद में से आप हाथी को निकाल रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। ये सुन के दुर्योधन हंसने लगा, अरे नारद जी वो तो मायावी है, वो तो छलिया है, आप भी उसकी माया में आ गए, छल में आ गए। दुर्योधन हंसने लगा कि आप भी छला गए, आप बड़े भोले हो। वही नारद जी जब युधिष्ठिर जी को मिले, भगवत स्मरण हुआ,
युधिष्ठिर जी कहते हैं, नारद जी कहां से पधारे? कि मैं द्वारका से आया, तो प्रभु की खबर पूछी कि द्वारकाधीश प्रभु कैसे विराज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब आनंद में। तो नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं युधिष्ठिर जी, द्वारकाधीश को प्रभु को एक बड़ा ही विचित्र खेल सूझा है। कि क्या खेल सूझा? कि बड़ा विचित्र खेल है। कि बताइए तो सही कि वो सुई का जो नोक है, जो सुई का जो छेद है, उस छेद में से आप हाथी निकाल रहे। ये सुन के युधिष्ठिर जी कहने लगे, नारद जी आप भगवत भक्त हैं और फिर भी आप इसमें आश्चर्य करते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? आप अगर मुझे ये कहते कि भगवान ठाकुर जी द्वारकाधीश वह सुई के छेद में से पूरे ब्रह्मांड को निकाल दें, तो भी मैं उस बात को मान लूं। ये तो हाथी निकाल रहे हैं, उसमें क्या आश्चर्य? अक्लिष्ट कर्मा है ठाकुर जी। हाँ, भगवत लीला में कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। यानी ठाकुर जी ने अपने पूरे मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन, विश्व जगत के दर्शन श्री यशोदा जी को करवाए। और जब यह लीला के दर्शन, जब ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा जी ने किए, तब यशोदा जी को भगवान का महात्म ज्ञान उनके हृदय में जागृत हुआ। महात्म ज्ञान, महात्म ज्ञान के द्वारा जीव शरणागत होता है। आज भले ही हमने भिक्षा ले ली, ब्रह्म संबंध लिया, लेकिन जो महात्म ज्ञान नहीं होगा, ग्रंथों का अवलोकन नहीं होगा, महात्म ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? तो वो षोडश ग्रंथ हैं, वार्ता साहित्य है, शिक्षा पत्र है, गोकुलनाथ जी के वचनामृत हैं, श्रीमद् भागवत गीता, ये जो सब सद ग्रंथ हैं, इनमें से भगवान का महात्म ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और वास्तव में जब ये महात्म ज्ञान जीव को प्राप्त होता है, तभी सही मायने में आंतरिक जो हम शरणागति कहते हैं, वह उसको सिद्ध होती है। अवतार काल में तो भगवान ने अपने स्वरूप बल से यशोदा जी को शरणागति सिद्ध करवाई, लेकिन ये जो समय चल रहा है जिसमें हम सब जीवित हैं, जिसको हम अनवतार काल कहते हैं, इस समय में जहां साक्षात रूप से ठाकुर जी के हम दर्शन नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में भगवत कथा, जैसे हमने पूर्व में ही बात की कि नाम सेवा, तो भगवत कथा यानी सत्संग के माध्यम से ही, ग्रंथों के अवलोकन के माध्यम से ही प्रभु का महात्म ज्ञान हमको समझ में आएगा। और जब महात्म ज्ञान समझ में आएगा, तभी वास्तविक में आंतरिक जो समर्पण है वह ठाकुर जी के प्रति होगा। बाकी ये जो तुलसी जी हमने हाथ में लेकर निवेदन किया, ये तो एक बाह्य समर्पण हुआ, पर क्या तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन वास्तव में शरणागत हुआ? क्या तुम्हारी बुद्धि अभी भी विचलित नहीं होती है? क्या तुम्हारा मन राग द्वेष से विचलित नहीं होता है? क्या तुम्हारी स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ गई है? क्या तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई है? क्या तुम्हारी दृष्टि में भेद सब निकल गए हैं? जो इन सब प्रश्नों का उत्तर ना है, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आंतरिक जो शरणागति है वो सिद्ध नहीं हुई है। और वो आंतरिक शरणागति कैसे सिद्ध होगी? तो केवल और केवल भगवद कथा, भगवद सत्संग, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरिंडितम कल्मशापहम। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपकी ये कथा अमृत है, करी काल के कलमश के दोषों को निवृत्त करने के लिए आपकी ये कथा अमृत रूप है। जो भाव संसार के ताप से सुषुप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं, उन भावों को जागृत करने वाली आपकी ये कथा अमृत रूपा है। जो मरे हुए को जागृत करे वह अमृत। इसलिए गोपियां कहती हैं, तव कथा अमृतम, प्रभु हमारे अंदर जो प्राण बचे हुए हैं उसका एकमात्र कारण आपकी एक कथा का हम चिंतन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। तो अनवतार दशा यानी ये जो समय है प्रियजनों, बहुत ही सावधानी। आपको प्रसंग याद होगा, उद्धव जी ने जब भगवान से कहा कि प्रभु आप जब अब लीला अपनी समेट रहे हैं तो जीव का कल्याण कैसे होगा, तब भगवान ने अपना समस्त तेज पुंज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पधराकर कहा कि जो कलयुग में बुद्धि संपन्न जो जीव है ग्रंथ का आश्रय करेगा, वो मेरा ही स्वरूप है, उसके द्वारा उसका कल्याण हो। तो अवतार दशा में भगवान ने अपने स्वरूप बल से
भक्तों को शरणागति सिद्ध करवाई, जैसे यहाँ पे यशोदा जी को शरणागति सिद्ध करवाई। और जब यशोदा जी को भगवान के मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन हुए, तब दो श्लोकों से यशोदा जी ने शरणागति स्वीकारी है। आप देखिए वो श्लोक भागवत में मिलते हैं। यशोदा जी कहती हैं ठाकुर जी की यह लीला के दर्शन करते हुए, अधो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचो भिरज्जसा यदाश्रयम् येन यतः प्रतीयते सुदुर्व्यभाव्यम् प्रणीतास्मि तत्पदम् अहम् ममासो पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थम् कुमतिः सम्मे गतिः। ये दो श्लोकों के माध्यम से यशोदा जी ने अपना आत्मनिवेदन किया। यशोदा जी कहती हैं, हे प्रभु, यह अलौकिक दृश्य दिखाने वाले जो स्वयं अलौकिक हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूं। देखिए ये शरणागति स्वीकार यशोदा जी, जो मुझे ये अलौकिक स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं, जो अलौकिक स्वरूप हैं, ऐसे भगवत स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूं, क्योंकि जिसकी जिस पर आपकी कृपा न हो, आपकी कृपा के बिना जिसकी कल्पना भी अशक्य है, जो विश्वरूप भगवान मन कर्म वाणी से पूरी तरह से तर्क से नहीं जाना जा सकता, लेकिन आज आपने कृपा करके वह स्वरूप के मुझे दर्शन कराए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। प्रणीतास्मि तत्पदम, प्रभु मैं आपके चरणों को वंदन करती हूं। देखिए ये हुई शरणागति। और दूसरे श्लोक में कहती हैं, अहम ममासो पतिरेश मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति। देखिए जिस प्रकार से पुष्टि मार्ग में हमारे यहाँ पे ये दो प्रकार की दीक्षाएं अहमता ममता की निवृत्ति के लिए दी जाती हैं, एक नाम निवेदन और एक आत्मनिवेदन। हमारा पुष्टि मार्ग ब्रजलीला से संबंधित है, ब्रजभक्त गोपीजन हमारे गुरु हैं, तो ये जो दो दीक्षा हमारे यहाँ पे चल रही हैं, ये दीक्षा का मूल सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ पे है। देखिए ये भागवत जी के दशम स्कंद में श्री यशोदा जी ने ठाकुर जी की दो श्लोकों में शरणागति स्वीकारी और दो श्लोकों के माध्यम से अपना अहमता और अपनी ममत्व का ठाकुर जी को निवेदन किया। पहले श्लोक में प्रणीतास्मि तत्पदम, मैं मी अहम तत्पदम आपके चरणारविंद को मैं नमस्कार करती हूं, आपकी मैं शरण में हूं। ये श्लोक के भाव से यशोदा जी ने अपने अहमता का ठाकुर जी में समर्पण किया। और यशोदा जी दूसरे श्लोक में कहती हैं, अहम ममासो पतिरेश मे सुतो, यह मैं हूं, यह मेरा घर, पति पुत्र गोप्य गोपियां, ये गोधन, ये सब मेरे हैं। इस प्रकार की जिसकी माया से ऐसी कुबुद्धि हुई है, ऐसी मेरी गति है, ऐसी मैं आपकी शरण में हूं। हम ब्रह्म संबंध में क्या बोलते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये मेरी इंद्रिय, ये अंतःकरण, ये जो कुछ मैंने सब अपना मान रखा है प्रभु, ये सब मैं आपको समर्पित करता हूं, हम बोलते हैं ना। देखिए मूल कहां, ये यशोदा जी कह रही हैं, अहम ममासो पतिरेश मे सुतो, ये मेरे पति, ये मेरा सुत, व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति, ये मेरा धन, ये मेरा गोधन है, ये मेरी गोपियां हैं। आपकी माया से जिसकी ऐसी कुबुद्धि हुई है, ऐसी मेरी गति है, ऐसा मैं जीव, ऐसे मैं आपकी शरण में हूं। तो ठाकुर जी ने इस प्रकार से जो यशोदा जी का जो मनोरथ था कि प्रभु को बांधना है, वो बांधना पुष्टि मार्ग रीत अनुसार जब तक शरणागति न हो तब तक वो प्रभु बंधन में बंधते नहीं है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मांड दर्शन करवाकर अपना महात्म ज्ञान प्रभु ने दर्शन करवाया और यशोदा जी की शरणागति सिद्ध करवाई। और फिर जब भगवान ने देखा कि यशोदा जी को भगवान के यानी मेरे ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो गया है, लेकिन जो केवल यही भाव होगा तो फिर वात्सल्य भक्ति रस का आनंद नहीं ले पाएंगे। देखिए ये दोनों भाव, एक महात्म ज्ञान जब साधन दशा में जीव होता है, जैसे हम सब जीव धीरे धीरे जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो ये महात्म ज्ञान परम आवश्यक है, उससे हमारी शरणागति सिद्ध होती है, आंतरिक शरणागति।
और जब आंतरिक शरणागति सिद्ध हो जाती है, जब सेवा फल रूपा सिद्ध हो जाती है, तब यही महात्म ज्ञान फिर बाधक भी बन जाता है। जैसे वो वार्ता जी में कई प्रसंग है, वो बिल्ली वाला प्रसंग, वहां ने कही कि तूने पूतना सकास्त्र द्रोणावर्त आदि असरन को मारे हो तब तो तुमको डर नहीं लगे हो, अब ये बिल्ली से तू डर रहे हो। तो जहां पे ये प्रभु का महात्म, क्योंकि वात्सल्य रस चल रहा था वहां पर, ठाकुर जी उस भक्त को वात्सल्य रस का अनुभव करवा रहे थे, लेकिन वहां पे फिर वो महात्म ज्ञान लिया आया तो वो भक्ति में बाधक हो गया, ठाकुर जी ने सानुभाव जताना बंद कर दिया। लेकिन जो साधन दशा के हम सब जो जीव हैं उसके लिए महात्म ज्ञान परम आवश्यक है, और अवतार दशा में तो साक्षात स्वरूप से प्रभु विराजमान है, इसलिए वात्सल्य रस का भी यशोदा जी को दान करना है। तो आपने वहां पे फिर वापस अपनी वैष्णवी माया फैला दी और वो जो ज्ञान शक्ति उसको तिरोहित कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने शरणागति स्वीकार यशोदा जी की करवाई मृतिका भक्षण लीला के द्वारा। देखिए ये शरणागति, अब इस अर्थ का जो विचार किया जाए, शरण आगति अर्थात जो शरण देने वाला है उसकी गति हमारी ओर हो रही है। शरणागति शब्द के अंतर्गत अरस परस दोनों के भाव रहे हुए हैं, यानी जीव की ठाकुर जी की ओर गति और ठाकुर जी की भी जीव की ओर गति। शरण आगति यानी वो सामने से पधार रहे हैं, इसको कृपा कहा जाता है। अब ये शरणागति भी दो प्रकार की है, एक तो है पुष्टि और दूसरी है मर्यादा। पुष्टि शरणागति और मर्यादा शरणागति। अब मर्यादा शरणागति को जो देखा जाए तो वो और पुष्टि शरणागति में क्या भेद है, अब उस विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। अर्जुन के प्रति जो भगवान के वाक्य हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो प्रसिद्ध प्रमुख वाक्य हैं, ये मर्यादा शरणागति का प्रकार है। और पुष्टि शरणागति का जो अर्थ है, जिस संदर्भ में श्री हरिराय महाप्रभु जी पुष्टिमार्गीय लक्षणानि ग्रंथ के अंतर्गत आज्ञा करते हैं, धर्मनिष्ठा यत्र नैव पुष्टिमार्गस्य कथ्यते। देखिए शब्द बड़े ही गहरे हैं, धर्मनिष्ठा यत्र नैव अर्थात जहां पे धर्मनिष्ठा न हो अभी तो धर्मी के लिए निष्ठा हो उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो ये हुई पुष्टि मार्गीय शरणागति, जहां पे धर्म नहीं अभी तो धर्मी में निष्ठा हो। इस विषय को भी अपन समझेंगे आगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे अर्जुन के प्रति जो कहे गए शब्द हैं, जो मर्यादा शरणागति जो है, ये भगवान के जो ये वाक्य हैं, उस विषय को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर पुष्टि शरणागति को भी हम देखेंगे। तो ये जो प्रसंग महाभारत का, आप सबको उस प्रसंग का मैं अनुसंधान करवाऊं, जब भगवत इच्छा से ही अर्जुन के सामने, पांडवों के सामने भयानक युद्ध की परिस्थिति उपस्थित हुई, कुरुक्षेत्र में सब कौरव पांडव उपस्थित हुए हैं, और उस समय अर्जुन के सामने पूरे कौरव की सेना खड़ी हुई, भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य आदि भाई परिवार सब खड़े हुए हैं। उस दृश्य को देखकर अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, हे प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस रथ को मध्य में स्थापित करें, बीच में ले जाएं, मैं बीच में जाकर दोनों सेना को मैं देखना चाहता हूं। देखिए सत्य को ध्यान दीजिएगा, इस बात को, मेरे शब्द को, सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए मध्यता ये बड़ी आवश्यक है। जब हम केवल अपने एंगल से देखेंगे तो सत्य हमको हमारे पक्ष में दिखाई देगा। अर्जुन क्या कह रहा है, देखिए ये जो अर्जुन ने रथ को बीच में ले जाने का जो कहा, उसका गहन भाव क्या है,
अर्जुन के अंदर मन में उसके एक भय है। कोई विचार करे, अर्जुन इतना धनुधर महान शक्तिशाली, उसको भय, हाँ उसके अंदर भी एक भय है। भय कैसा, कि मेरे से कोई पाप न हो जाए, मेरे से अधर्म न हो जाए। और इस डर को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप रथ को मध्य में ले जाइए, क्योंकि अर्जुन जो पांडवों की ओर से वहीं पे खड़ा होकर देखे तो उसको धर्म सत्य उसके पक्ष में दिखाई दे, कौरवों के जाकर देखें तो कौरवों को पूछा जाए तो उनको धर्म सत्य उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो सत्य को जानने के लिए राग द्वेष में से हटकर मध्यता सेंटर में से विचारना परम आवश्यक है। आप देखिए, जब तक राग द्वेष से मनुष्य हटता नहीं है तब तक सत्य को जीव जान नहीं पाता। आपको किसी के लिए प्रेम है, राग है, तो उसकी हर बात आपको सत्य लगती है। आपको किसी के लिए द्वेष है, घृणा है, या आपको किसी व्यक्ति के लिए मन में प्रेम भाव नहीं है या अभाव है ऐसा कहें, तो फिर उसकी सब बात आपको मिथ्या लगती है, असत्य लगती है, सही नहीं लगती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, परीक्षित जी, जब परीक्षित जी राज्य विचरण करने के लिए गए, आपने कथा सुनी होगी, तो वहां पे जब शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जब वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, तो उस समय क्या हुआ, परीक्षित जी वहां पर आए, तृषा लगी हुई थी, लेकिन वह ऋषि ध्यान में बैठे हुए तो उन्होंने सुना नहीं। ये देखकर परीक्षित जी को क्रोध आया कि देखो ये मेरे सामने कैसा नाटक कर रहा है, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, इसके आश्रम में आया, इसकी कुटिया में आया, खड़े होकर आदर भी नहीं किया, मुझे 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 पूछ भी नहीं रहा, कैसा ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। अब देखिए, परीक्षित जी के मन में द्वेष था, और वो द्वेष आया कहां से, उन्होंने वो जो मुकुट पहना था जिसमें कलयुग बैठ गया था, है ना, आप कथा का स्मरण करें, जरासंध के वहां से जो वो धन लेकर आए थे, वो जो मुकुट था, वह मुकुट जब परीक्षित ने धारण किया तो कलयुग का जो संवाद आता है परीक्षित जी के साथ, कि भी सुवर्ण में यानी अनीति के धन में तू रहना, कलयुग को रहने के जो चार स्थान दिए गए और पांचवा फिर मांगने पर पुनः दिया गया, तो एक कलयुग का रहने का स्थान कौन सा है, अनीति का धन, यानी वो जो मुकुट में था वह मुकुट में कलयुग आकर बैठा, जिसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मनुष्य के अंदर राग द्वेष जागृत हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रियजनों राग द्वेष जागृत हैं, किसी के लिए विशिष्ट राग है, किसी के लिए द्वेष है। हमारी दृष्टि में कोई अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या रह गई आज, कोई हमारी हाँ में हाँ करे तो वो अच्छा, और कोई हमारे जरा सी विरोध में बात करे तो भैया वो तो ऐसा है, वो तो बुरा है। हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या हो गई, बस इतनी सी है, मारी हामा हा करे तो बहु मारो निकट नो छे, अने मारी नामा ना करे तो भाई आनी साथे मजा आवे हूं नथी, वो कोई बात समझने लायक ही नहीं है। बस अच्छे और बुरे की परिभाषा बस इतनी सी रह गई है। तो ये कलयुग का प्रभाव है प्रियजनों, जो हमें सम्यक दर्शन नहीं करने देता। हमारे अंदर भी किसी के लिए राग है विशेष प्रकार का, या हमारे लिए भी किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार का द्वेष है, तो आप सत्य से अछूते ही रहेंगे, सत्य को जान नहीं पाओगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि सम्यक हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरी बात से सहमत नहीं हो रहा, मेरी हां में हां नहीं मिला रहा, कि मेरी बात से सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा, प्रभु की ही इच्छा ऐसी कुछ होगी ना? और थोड़ा विरोधी होना ये भी आवश्यक है, जैसे सरकार में भी होता है ना, एक तो जो सरकार और एक सामने विरोधी दल है ना, जितना राष्ट्र के विकास में जो सत्ता पक्ष जो है, गवर्नमेंट है, उसका जितना योगदान है, इतना ही योगदान जो भले सरकार में नहीं है लेकिन जो विरोधी दल है उसका भी इतना योगदान है राष्ट्र के विकास के लिए। और जहां पे राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में जो विरोधी दल मजबूत न हो तो फिर वो राष्ट्र का भी सम्यक विकास नहीं हो पाता, या आप जो समझ में आए तो ये चीज, क्योंकि जो राष्ट्र की जो नीतियां, जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं,
जब वो कुछ नीतियां बनाते हैं, लेकिन वो नीतियां उनने अपनी दृष्टि से रखी हुई हैं कि इससे समाज राष्ट्र का कल्याण होगा, यानी उनको उनके पक्ष में वो सत्य दिखाई देता है, लेकिन जब विरोधी दल बोलता है कि नहीं इससे ये नुकसान भी होगा, इससे इससे इसका नुकसान हो जाएगा, इससे आगे जाके फायदा नहीं होगा, तो पुनः विचार किया जाता है और फिर कौन सी नीति राष्ट्र के समाज के लिए उपयोगी है उन नीति को लागू किया जाता है। ये एक प्रोसीजर है। उसी प्रकार से हमारा जो भाव है शुद्ध रखने के लिए हमारे विरोधी होने ये परम आवश्यक हैं। यानी जब भी हमारा कोई विरोधी हो, हमारी निंदा करने वाला हो या हमारी बात को न समझने वाला हो, तो उससे अपने आप को दुखी न करें। ये इसको ठाकुर जी की कृपा माने कि हमारे अंदर कभी भक्ति का या ज्ञान का हमारे अंदर अभिमान न आ जाए, मद न आ जाए। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसे निंदकों को हमारे पास भेज दिया। कहा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे स्वभाव। निंदक नियरे राखिए, संत की वाणी है कि निंदकों को, दोष देखने वालों को तो नियरे अपने पास में रखो, जो अपने दोष देखते हैं उससे दूर मत जाओ। बिन साबुन बिन पानी बिने, जैसे वस्त्र को खासा करना हो तो साबुन चाहिए पानी चाहिए, लेकिन ये तो हमारे मेले वस्त्र, जो मन रूपी जो मेला वस्त्र है, वो पानी और साबुन के बिना ही खासा कर दे। गोकुलनाथ जी के वचनामृत आते हैं हास्य प्रसंग में। एक दिन गोकुलेश प्रभु को कोई ने कही कि जयराज, ये भक्तों की निंदा करने वाले इतने जीव हैं, निंदा करते रहते हैं, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, आप चाहो तो अवश्य उनको रोक सको, तो आप रोको क्यों नहीं। तब श्री गोकुलेश प्रभु हंसते हुए आज्ञा करी कि मुझको एक बात बता कि अपने शरीर में से जो मल मूत्र निकलवे को जो स्थान है, जो वो स्थान बंद हो जाए तो का होएगो। तो वैष्णव कहवे लगे, जीरा तो बीमारी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगो। तो के बस ऐसो ही है, हमारो मन शुद्ध रहे, हमारो भाव मलिन नहीं हो जाए, या लिए ठाकुर जी ये जो निंदक जो है, दोष दृष्टि वाले हैं, उसको भेज देते हैं कि जिससे हमारा भाव शुद्ध हो जाए। तो ये राग और द्वेष, आपको किसी के लिए विशेष राग है तो उसके दोष भी आपको गुण रूप में दिखाई देते, और आपको किसी के लिए द्वेष है, अमैत्री है, तो उसके गुण भी दुर्गुण के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, राग और द्वेष का प्रभाव है, समझिए। फिर से एक बार मैं कहता हूं, आपको किसी के लिए राग है, यानी कि बहुत ही प्रेम आसक्ति है, तो उसके दोष आपको गुण रूप में दिखाई देते हैं, और आपको किसी के लिए द्वेष है और मैत्री है, तो उसके दोष, उसके गुण भी दोष रूप में दिखाई देते। यानी राग और द्वेष, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो सत्य से हमको दूर रखती है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि अपना रथ आप मध्य में ले जाइए, कि जिससे मैं देखना चाहता हूं कि धर्म वास्तव में है कहां, क्योंकि यहां पे खड़ा रहूंगा तो मुझे मेरी ओर ही धर्म दिखाई दे रहा है, कौरवों की साइड में जाऊंगा तो मुझे वहां पर धर्म दिखाई देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे से किसी निर्दोष का वध हो जाए या धर्म हो जाए, इसलिए मध्य में स्थापित किया। और मध्य में स्थापित करके जब अर्जुन ने देखा तो मोह से ग्रसित हो गया, विचार करने लगा कि ये मेरे गुरुवर, ये मेरे भाई, ये मेरे पौत्र, ये मेरे पितामह, अब इन सबको मैं मारूंगा तो मेरा कौन सा धर्म सिद्ध होगा, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, न जाने कैसे भोग मुझे भोगने पड़ेंगे। और फिर उस समय अर्जुन के हाथ पांव शिथिल हो गए, धनुष को नीचे रख दिया, और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के वचनामृतों के द्वारा उसके मोह को निवृत्त किया। भगवान ने नानाविध उपदेश द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, यहां तक के निर्गुण निराकार एवं भक्ति योग आदि कितना कुछ अर्जुन के आगे वर्णन कर दिया, समस्त शास्त्रों का सार, कि इसका मोह दूर हो जाए। फिर भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति अर्जुन की देखकर
भगवान ने तो यहां तक कह दिया, यतेच्छसि तथा कुरु, अब तो तेरी जैसी इच्छा हो तू ऐसा कर। जब इस प्रकार के वचन भगवान ने कहे तब अर्जुन घबराया, विचार करने लगा कि कहीं ठाकुर मुझको छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे, कृष्ण मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि कह दिया कि अभी अब तेरी जैसी इच्छा हो तू कर। उस समय अर्जुन खुद के कहे हुए शब्दों से बड़ा दुखी हुआ, और उस समय ऐसी निस्साधनता, ऐसी अर्जुन की स्थिति को देखते हुए भगवान ने आज्ञा करी। गीता जी के अंत में 18वें अध्याय के 64वें श्लोक से लेके 66वें श्लोक तक भगवान आज्ञा करते हैं, सर्व गुह्य तमम भूय श्रृणु मे परमम वचः, इष्टोसि मे दृढ़ इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, मन्मना भव मद भक्तो मद्व्याजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यस सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना इतना पूर्व में भगवान ने उपदेश दिया, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग अलग अलग योग निर्गुण निराकार साकार आदि बहुत कुछ आपने बता दिया, फिर भी जब मोह नहीं गया तब अंत में अष्टादश ये 18वें अध्याय में भगवान अंत में ये कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरे ये रहस्यमय वचन को सुन, सर्व गुह्य तमम भूय, जो सर्व गुह है गहन है उस रहस्य को तो सुच। परम वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति, ये सुनेगा इससे तू मेरा प्रिय होगा और इससे तेरा हित होगा, मैं तेरे हित की बात कर रहा हूं। वक्ष्यामि ते हितम, हे अर्जुन तू मेरे मन वाला हो जा, मन मना भव मद भक्तो, तेरे मन की तू यहां पे बात मत कर, अर्थात मेरे मन वाला तू हो जा, और ऐसा करने से तू मेरा भक्त होगा, और जब मैं भगवान का हूं इस प्रकार की तेरी जब अहमता हो जाएगी तब तेरी ममता भी मेरी ओर परिवर्तित हो जाएगी। देखिए अहमता बद हो, अहमता बदल जाएगी तो ममत्व भी अपने आप बदल जाएगा। जैसे हम कहते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये अहंता के साथ, जैसे मैं कृष्ण का दास हूं तो मेरा परिवार भी कृष्ण का दास है, ये शरीर मेरी इंद्रिय मेरा घर ये भी परिवार का दास है। जब अहंता बदल जाएगी तो ममत्व भी अपने आप ही बदलने लगेगा। इसलिए श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनई ही। जिस प्रकार से विवाह होने के बाद कन्या का उसके पिता का जो गोत्र है वो नहीं रहता लेकिन पति का ही गोत्र हो जाता है, बदल जाता है, उसी प्रकार से जब जीव ठाकुर जी में अपनी अहमता निवेदित कर देता है, समर्पित करता है, तब वह दास बन जाता है। जिस प्रकार से वह स्त्री का गोत्र बदल गया उसी प्रकार से भक्त का भी शरणागति के बाद स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे भगवान ने कहते हैं कि तू मुझको प्रणाम कर, तू मुझे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और सर्वथा मुझमें तू समर्पित हो जा, और मैं भगवान के चरणों में पड़ा हुआ हूं ऐसा मन में भाव रख, और जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं उसको भगवान का ही मंगलमय विधान मानकर उसको स्वीकार कर, उसको उस भाव से तू उसको स्वीकार कर, और ये जो प्रतिकूल अनुकूल जो परिस्थितियां तेरे जीवन में उपस्थित हैं भगवत इच्छा से जब तू उसको स्वीकार करेगा तो इस भाव से जब तू युक्त हो जाएगा तो तू विश्वास रख तो कि तू मुझको प्राप्त कर लेगा, तू मुझे ही प्राप्त करेगा। यानी जो भी हमारे जीवन में प्रतिकूल अप्रतिकूल जो भी स्थितियां आ रही हैं भगवत इच्छा मानकर तू उसको स्वीकार कर।
यहां इस प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, अपना उपदेश अर्जुन को प्रदान किया और अत्यंत गोपनीय बात यानी सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, एक और सर्व धर्मों को छोड़ने की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले पूर्व में बहुत से धर्म का आपने उपदेश ले दिया लेकिन फिर भी इसका मोह नहीं गया, मूढ़ के मूढ़ ही रहा। तब भगवान ने विशिष्ट जो शरणागति जो धर्म है उसका निरूपण किया धर्मी स्वरूप के संबंधित, कि अब तू ऐसा कर मेरी शरण में आ जा, बस सर्व धर्मों का आश्रय छोड़ मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जो तुझे पाप पुण्य का जो तुझे भय सता रहा है, मन तेरा भयभीत है, तू मेरी शरण में आएगा तो सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अब ये वचन जब भगवान ने कहे तो अर्जुन इन वचनों को सुनकर उसको मन में संशय हुआ कि जो मैं सर्वधर्मान प्रत्यज यानी वेदोक्त धर्म या कर्मादिक धर्म या वर्णाश्रम के जो धर्म आदि हैं, जो उनको मैं त्याग पूर्वक इनकी शरण में आया तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? सब धर्मों को मैं त्याग दूंगा तो मैं पाप युक्त हो जाऊंगा, और मैं पाप युक्त हो जाऊंगा तो मेरा मोक्ष कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? देखिए ये जो अर्जुन की भावना है कि मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, ये उसके अंदर रही हुई भावना, ये मर्यादा शरणागति का प्रकार है। वो अन्य जो धर्म है उस धर्मों को छोड़ने से भी डर रहा है कि उन धर्मों को जैसे कर्म वर्णाश्रम आदि अन्य धर्मों को मैंने जो छोड़ दिया तो फिर मुझे पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो मुझे नरक की यातना मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। फिर भगवान ने आगे भी उसको उपदेश दिया, लेकिन इस प्रसंग से यहां पता चलता है भगवान अर्जुन की मर्यादा शरणागति, क्योंकि आपने क्या कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये जो मोक्ष वाली जहां बात आ जाती है इसको मर्यादा शरणागति कहा जाता है, कि तू सब धर्मों को त्याग कर छोड़ दे। तो ये हुई मर्यादा शरणागति। और पुष्टि मार्ग की शरणागति क्या है वो किसको कहेंगे, कि जैसे हमने बात करी जो श्री हराय महाप्रभु जी ने भी जिस संदर्भ में कहा कि धर्मनिष्ठा यत्र नैव पुष्टि मार्ग सकत्यते, कि जहां पे धर्म निष्ठा न हो अभी तो धर्मी निष्ठा हो। यहां पे अर्जुन के अंदर धर्म निष्ठा है, और अब हम धर्मी निष्ठा की बात करें उसके लिए हमें रास पंचाध्याय में प्रवेश करना पड़ेगा, जहां पे हमको पुष्टि मार्गीय शरणागति का प्रकार, पुष्टि मार्गीय धर्मी स्वरूप की जो शरणागति है वो हमें रास पंचाध्याय में प्राप्त हो। ध्यान से सुनिए, कुछ मिनट और मैं लूंगा, समय की भी अपनी मर्यादा है। ये रास पंचाध्याय के थोड़े प्रसंग को लेकर आज की सभा को हम विश्राम देंगे। रास पंचाध्याय के अंदर मैं संक्षिप्त में उस बात को श्रवण कराऊं। शरद की रात्रि में जब ठाकुर जी ने वेणुनाथ द्वारा सब गोपीजनों को अपनी ओर जब खींचा, सब गोपियां ठाकुर जी के शरण में आई, उस समय भी भगवान ने गोपियों को उनके धर्म की बात कही। आपको याद होगा जो रासलीला रास पंचाध्याय आपने श्रवण किया हो, तो भगवान क्या कहते हैं कि इस प्रकार से रात्रि के समय पे यहां पर विहार करना ये उचित नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है कि रात्रि के समय में स्त्री यहां पर आए, पति की सेवा करना, परिवारजनों की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना, ये स्त्री का धर्म है, ऐसा करो तुम वापिस लौट के चले। तो भगवान ने वहां पर बड़े वहां पर धर्म का उपदेश दिया, क्योंकि भगवान भी वहां पे देखना चाहते हैं कि एक परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि इनके अंदर धर्मनिष्ठा है या धर्मनिष्ठा है। और जब भगवान ने उनको जाने की बात करी, धर्म की चर्चा करी, तब गोपियां क्या कहती हैं, यत पत्य पत्य सुरदा मनि वृत्ति रंग स्त्री नाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वे वमे तपुपदेश पदे त्वयीशे पृष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। गोपियां कहती हैं, हे अंग धर्मज्ञ,
आपने जो पति संतान और संबंधियों की सेवा हेतु हमको जो आपने उपदेश दिया है कि उनकी सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, यह जो आपने प्रतिपादन किया, परंतु लेकिन आपका यह उपदेश तो आपके इश्क के प्रति ही चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पर। गोपिया कहती है, ये जो आपने धर्म का उपदेश दिया है, ये चरितार्थ तो हमको आपके प्रति ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ही जीव मात्र के प्रेष्ठ हैं, यानी सर्वाधिक प्रिय हैं, सबके बंधु हैं तथा आत्मस्वरूप हैं। देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं प्रिय का भी प्रिय हूं, मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, परमात्मा हूं। आज हमको वस्तुओं से जो प्रेम है, ध्यान दीजिएगा, हमें जो वस्तुओं से जो प्रेम है आसक्ति है, व्यक्तियों से जो प्रेम है वो आसक्ति है, पदार्थों में जो प्रेम है आसक्ति है, वो आसक्ति वो प्रेम क्यों है? विचार करो, आपको दूसरे व्यक्तियों से जो प्रेम है उसका कारण क्या? वस्तुओं में जो आपकी आसक्ति है उसका कारण क्या? उसका कारण आपका देह शरीर है, क्योंकि उनका संबंध शरीर के साथ है, आपके परिवारजनों का संबंध आपके शरीर के साथ है, उन वस्तुओं का संबंध आपके शरीर के साथ है, इसलिए आपको उसमें आसक्ति है, उसमें प्रेम है। क्यों उनमें प्रेम है? क्योंकि आपको अपने शरीर में, आपको अपने देह में प्रेम है, आपको अपने देह में प्रेम है, इसलिए परिवारजनों के साथ प्रेम है, वस्तुओं में प्रेम है। अब विचार करिए, देह में प्रेम क्यों है? देह में अपन को अपने शरीर में प्रेम क्यों है? विचार करो आप। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो हमको शरीर में प्रेम इसलिए है क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्म तत्व विराजमान है, अंतर्यामी स्वरूप प्रभु विराजमान है, आत्मा स्वरूप प्रभु विराजमान है। आत्मा, कई लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा में परमात्मा, ये हमारा पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैत ये कहता है, आत्मा ही परमात्मा, ये विचार शांकर मत का है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ये शांकर विचार है, मायावादी है। लेकिन हम पुष्टि मार्गीय के सिद्धांत को मानते हैं, आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा में परमात्मा, दोनों में फर्क है कि उस अणुरूप में, हाँ वह आत्मा में अणु स्वरूप से प्रभु भी विराजमान है, लेकिन उन सब जितने भी चैतन्य जीव हैं इस सृष्टि में, सबके अंदर विराजमान जो आत्मा है वही परमात्मा है। उन्हीं परमात्मा का आत्म स्वरूप से अंश हरेक चैतन्य जीव के अंदर विराजमान, यानी हमको अपना शरीर प्रिय क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्म तत्व विराजमान है, आत्मा विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, अब जो वो आत्म तत्व अंदर न हो, चैतन्यता जो अंदर न हो, तो क्या हमको अपने शरीर से प्रेम है? ये शरीर में से आत्मा चैतन्यता निकल जाए तो क्या आपको अपने शरीर से प्रेम रहेगा? नहीं रह सकता, फिर तो वो उसको नाम भी नहीं देते हैं, शरीर को क्या कहें? बॉडी, चलो भैया बॉडी को ले जाओ। जब चला जाता है अंदर से, आत्म तत्व निकल गया, चित अंश चैतन्य निकल गया, तब उस व्यक्ति का नाम से भी नहीं पुकारते हैं कि फलाने व्यक्ति के फलाना, ये क्या कहते हैं? भैया आप बॉडी को ले जाने का समय हो गया, तब तो नाम भी नहीं दिया जाता। तो विचारणीय क्या है, ध्यान दीजिए, मैं जो विश्व विषय को आपको कहना चाह रहा हूं कि हमें ये शरीर से प्रेम क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा विराजमान है, हमको आत्मा से प्रेम है। लेकिन मूढ़ता के चलते, अज्ञान के चलते, माया के चलते, मोह के चलते, जीव अपने सच्चे आत्मा का जो प्रेम है उसको नहीं जान पाता, केवल शरीर के प्रेम को ही जानता है। ये जीव की मूढ़ता है, ये जीव का अज्ञान है, ये माया के दोष के चलते। वास्तव में शरीर में जो हमारी आसक्ति है, प्रेम है, उसका मूल कारण आत्मा है। आत्मा है तो शरीर में प्रेम है, शरीर में प्रेम है तो परिवारजनों से प्रेम है, शरीर ही नहीं है तो प्रेम कहां से तुम जाहिर करोगे? शरीर ही नहीं है तो फिर तुम कौन सी वस्तुओं का भोग भोगोगे? यानी उन वस्तुओं में जो आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, उसका कारण शरीर है। तो हमको शरीर में प्रेम क्यों है? क्योंकि हमें आत्मा में प्रेम है,
इसलिए शरीर में प्रेम है, और शरीर में प्रेम है इसलिए परिवार में प्रेम है, वस्तुओं में प्रेम है। तो इसलिए गोपियां यहां क्या कह रही हैं, किल बंधुर आत्मा, आप तो सर्व के बंधु आत्मा रूप हैं, सबके आत्मा स्वरूप आप हैं। यानी हम जब आपकी शरण में आए, आपकी जब हम सेवा कर रही हैं, तो फिर सबकी सेवा हो ही जाती है, क्योंकि आपके अंदर ही सब विद्यमान है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जिस प्रकार से शाखा के मूल में पानी डाला जाए तो वृक्ष की डाली डाली पत्ते पत्ते पे पानी पहुंच जाता है। वो व्यक्ति तो मूर्ख है कि जो शाखा पे पानी स्वतंत्र रूप से डाले, पत्तों पे पानी डाले, मूल सिंचे वृक्ष सिंचा। तो सबके बंधुर आत्मा स्वरूप आप हैं, लेकिन ये जीव मूढ़ दृष्टि के चलते अपने आत्मा का जो सच्चा प्रेमी है उसको नहीं जानता, आत्म तत्व को नहीं जान पाता, केवल शरीर और शरीर से जुड़े हुए जो बाह्य संबंध हैं उसी के प्रेम को जानता है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो आत्मा की भी आत्मा हूं, मैं प्रिय का भी प्रिय हूं, क्योंकि हम ये शरीर से प्रेम करते हैं और ये शरीर को प्रेम इसलिए करते हैं कि इसमें आत्मा है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं प्रिय का भी प्रिय हूं, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं आचार्य श्री। ये जो गोपियों ने दशम स्कंद के 29वें अध्याय के 32वें श्लोक में गोपियों ने कहा, उस श्लोक की व्याख्या में श्री आचार्य जी बड़ी सुंदर सुबोधनी जी लिखते हैं। श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं, व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म दो प्रकार के हैं, एक अनुष्ठीय और दूसरा है प्रमाणीयमान धर्म। अनुष्ठीय धर्म यानी मानव धर्म, और दूसरा है प्रमीयमान धर्म। प्रथम प्रकार के धर्म का उपयोग कार्य संपादन के लिए किया जाता है, कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो उसके लिए मानव धर्म यानी अनुष्ठीय धर्म का अनुकरण किया जाता है। और इस मानव धर्म के निमित्त कौन है, तो कभी हमारे स्वजन, हमारे पुत्र निमित्त आदि, ये उसके निमित्त है। और जो दूसरा प्रमीयमान धर्म है उसके निमित्त कौन है, तो उसके निमित्त श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, गुरु हैं, क्योंकि ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। धर्म की जो उपलब्धि है वह गुरु ज्ञान से ही प्राप्त होती है, अतः गुरु सेवा ही पति आदि स्वजनों की सेवा से भी प्रमुख है, प्रमीयमान धर्म। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, स्त्रियों का सधर्म का पालन करना चाहिए। और तो और ये स्वधर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, एक हीन विषयक, दूसरा है समान विषयक, और तीसरा है उत्तम विषयक। पति आदि की सेवा यह समान विषयक स्वधर्म है, क्योंकि पति स्वजनों में जो धर्म और हमारे में जो धर्म वो समान विषयक रहे हुए एक जैसे हैं, देह धर्म। परंतु जगत नियता आपकी सेवा करना, आपकी शरण में आना, वह तो उत्तम स्वधर्म है। कारण कि पति आदि स्वजनों की सेवा के प्रेरक भी तो आप ही हैं, आप ही तो हमारे अंदर ये इंद्रियों में प्रवेश कर ये इंद्रियों को जागृत करते हैं। ये इंद्रियों को जागृत करने वाले कौन, आप हैं। जब ये इंद्रियां बिल्कुल शुष्क हो जाएं, तो ये पति आदि की भी सेवा कैसे होगी। यानी पति स्वजनों की सेवा करने के प्रेरक भी प्रभु आप ही हैं। यानी हमेशा प्रभु की कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि प्रभु आपने हमको जन्म दिया, आप ही हमारे अंदर विराजमान हैं, और आप ही ने ये जीव के रूप में प्रकट होकर आप लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। इस प्रकार का भाव और आपकी कृपा है जिसके वजह से ही मैं ये जगत का आनंद ले पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं परिवार के साथ संबंधों को भोग भोग पा रहा हूं। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप ही मेरे अंदर विराजमान हैं, ये आपकी कृपा का साधन है। गोपियां कहती हैं, पति आदि की सेवा के प्रेरक प्रभु आप ही हैं। हे कृष्ण, धर्म की जड़ धर्मी है, अतः धर्मी से जो विरुद्ध न हो उसी धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मी आप हैं, अतः हम तो प्रभु आपकी शरण में हैं। गोपियां कहती हैं कि ये जो बाह्य धर्म शास्त्र को जानने वाले ये जीव तो सब बहिर्मुख होते हैं,
केवल शरीर संबंधी धर्म को ही मानते हैं, वर्ण आश्रम, ये जो चार वर्ण आश्रम बताए गए हैं, फिर अलग अलग प्रकार के आश्रमों का जो वर्णन किया गया है, फिर अलग अलग प्रकार की ये जो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो चार प्रकार के वर्ण, ये जो वर्ण धर्म का जो निरूपण किया गया है कि किस कुल में आपका जन्म हुआ उस अनुरूप कर्म करने चाहिए। तो ये जो बाह्य धर्म जानने वाले, जो धर्म शास्त्र को जानने वाले, वो बहिर्मुख हैं, क्योंकि शरीर संबंध धर्म को ही जानते हैं। लेकिन आत्मज्ञान भगवत धर्म की व्याख्या नहीं करते। आप तो जीव मात्र की प्रभु आत्मा हैं, जीव मात्र के प्रभु आप पृष्ठ हैं, आप जीव मात्र के बंधु हैं, तथा आप ही जीव मात्र के पालक भी हैं। अतः प्रभु आप ही सदा सर्वदा भजनीय हैं। हे कृष्ण, पति आदि की सेवा का विधान करने वाले शास्त्र भी वास्तव में आपकी सेवा का विधान ही करता है। क्योंकि हे श्याम सुंदर, जितने भी धर्माचरण हैं, फिर वो चाहे लौकिक हो या चाहे वैदिक हो, उनका उपयोग केवल प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए ही होता है। क्योंकि ये जो धर्म आश्रम, वर्णाश्रम हो, या ये चार प्रकार के अलग अलग जो आश्रम बताए गए हैं वो हो, उन धर्मों का पालन करते हुए भी वास्तव में वो धर्म करते हुए जीव क्या प्राप्त करता है? धर्मी स्वरूप आपको ही तो प्राप्त करता है। वो धर्म हमें क्यों करने चाहिए कि जिससे हमें आपकी प्राप्ति हो? जो धर्म भगवत प्राप्ति में सहायक न हो, ऐसे धर्मों को तो त्याग देना चाहिए। इसलिए भी गीता जी में भगवान ने कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जैसे गोपियां कहती हैं, ध्यान दीजिए, एक दृष्टांत दिया, जैसे एक पौधा, प्लांट। अब वो पौधे की, छोटा सा पौधा जब हम बोते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके आगे पीछे चार दीवारी बनाते हैं, फेंसिंग कर दी या वायर बांध दिए या चार दीवारी बनाई, है ना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा फिर उसकी रक्षा करने की हमें आवश्यकता नहीं, वो स्वतः अपना ध्यान रख लेगा। लेकिन जब पौधा छोटा सा है तो उसकी रक्षा के लिए चार दीवारी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा हो, कोई पशु पंखी आकर उसको नष्ट न कर दे, उसके मूल मजबूत हो जाए, तो चार दीवारी बनाते हैं। तो अब जिस व्यक्ति ने पौधा बोया है तो वो चार दीवारी की रक्षा करना उस व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि वो चार दीवारी होगी तभी तो वो पौधा बचेगा। चार दीवारी फेंसिंग नहीं रहेगी तो पौधा भी नहीं बचेगा। तो वो चार दीवारी की रक्षा करना ये उसका धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चार दीवारी की ही रक्षा करे और अंदर जो पौधा है वो सूखता जाए, उसमें पानी ही ना पिलाए। तुमने चार दीवारी बना दी उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन जो पौधे को तुम भूल गए तो वो चार दीवारी का क्या मतलब है? इसी प्रकार से हमारे जो गृहस्थ धर्म है, हमारे वर्णाश्रम आदि जो धर्म है, जिस योनि में, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ, उस अनुसार एक पिता को पुत्र के लिए, पुत्र को पिता के लिए, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए, ये भी तो हमारे धर्म ही है ना, इसको भी धर्म कहा जाता है। वो धर्म का भी पालन करना चाहिए। कब तक? कि जब तक वो धर्मी स्वरूप से वो आवरण न डाले तब तक उसकी सेवा, वो आचरण करना चाहिए। पर जो धर्म हमको धर्मी से विमुख कर दे फिर उसका पालन नहीं करना चाहिए। कि महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि वैसे तो गृहस्थित्वा सधर्मत, घर में रहके गृहस्थाश्रम का पालन करके सेवा करो, परंतु जहां कहीं गृहस्थाश्रम यानी घर में रहने वाले भी परिवार आदि प्रतिबंध रूप में आ जाएं तो फिर गृह त्याज्या, फिर ऐसे घर का त्याग करना चाहिए। तो ये जो चार दीवारी है पौधे की, ये सब धर्म है, और अंदर रहा हुआ जो पौधा है वह धर्मी है, यानी ठाकुर जी है। यह जो तिहारो रूप धर्म के धर्म ही मोहे, धर्मन के तुम धर्म भरम यह आगे को है। सब धर्मों के धर्म प्रभु आप हैं, सब ये गृहस्थ आदि धर्मों का पालन करते हुए भी आप धर्मी स्वरूप की हमें प्राप्त करना है। तो आज साक्षात धर्मी स्वरूप जब हमारे आगे हैं तो फिर आप हमें अब कौन से धर्म के लिए भेज रहे हो? साक्षात जब धर्मी हमें मिल गए तो फिर कौन से धर्म का हमको अनुकरण करने के लिए कह रहे हो? क्योंकि सबके मूल तो आप हो। जैसे वार्ता जी का एक सरल एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं। जब एक दिन की बात है, एक वैष्णव
चुटकी मांग के निर्वाह कर तो भिक्षा मांग के, और जब भिक्षा मांग के वो घर पे आयो, सेवा में मंगला धरावे में विलंब हो गयो, तो फिर जल्दी फटाफट स्नान करके तैयार भयो, सबसे पहले सोहनी की सेवा, बुहारी की सेवा करी। अपने यहाँ पे कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर में निकालवे की जो सेवा है, वह बुहारी की जो सेवा हो, कोई भी सेवा, मंदिर वस्त्र की सेवा हो, सामग्री की सेवा, कोई भी सेवा छोटी नहीं। सब सेवा मुख्य मानकर उस भाव से सेवा करनी चाहिए। आप मंदिर में भी जाओ, ठाकुर जी के दर्शन किए, केवल पुष्टि मार्ग दर्शन का मार्ग नहीं है, पुष्टि मार्ग सेवा का मार्ग है। कछु ना कछु सेवा, श्री जी मंदिर में जैसे अभी भी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे, भाई मंदिर में अब ये उत्सव है, वो उत्सव है, खाली जाके दर्शन करके आगे हो गया, नहीं, हमको कुछ सेवा मिले ये भाव से मंदिर में जाना चाहिए, हम कुछ सेवा कर पाए। फिर वहां पर सफाई की सेवा हो, बर्तन मांजने की सेवा हो, सोहनी की सेवा हो, कोई भी सेवा बड़े भाव से करो। और भाव भावना में तो बताया कि जब मंदिर में सेवा, सोहनी की सेवा, बुहारी की सेवा करते हो, उससे आपके मन के जो रोग हैं, भाव रोग हैं, वह निवृत्त हो जाते हैं, मन स्वस्थ होता है, मन शुद्ध होता है। अब वो वैष्णव फटाफट बुहारी सोहनी की सेवा करवे लग गए, और अब भयो का वो बुहारी की एक डोरी टूट गई, है ना, आप स्मरण करो प्रसंग। अब बुहारी की डोरी टूट गई, सोचो कि अभी घर में और दूसरी डोरी ढूंढवे जाऊं, ठाकुर जी को विलंब हो जाएगा, तो का कियो उनने, अपनी जनोई तोड़ के बुहारी में बांध ली। अब देखो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को उसके धर्म का निर्वाह करना चाहिए। अब ब्राह्मण इस प्रकार से जनोई अपने श्रीअंग में से निकाले और अपने हाथ से तोड़े, बुहारी में बांधे, तो उसको तो प्रायश्चित पाप लगता है, प्रायश्चित करना पड़ता है विधि अनुसार। एक बार जनोई टूट भी जाए तो भी नियम से प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन यहां पर उस वैष्णव को कोई भी प्रायश्चित नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर वो धर्मी स्वरूप की सेवा में है, वहां वो ठाकुर जी की सेवा में है। भगवत सुख का उनको विचार है कि अभी मैं दूसरी ढूंढने जाऊं तो ठाकुर जी की सेवा में विलंब हो जाएगा। तो इसलिए धर्म का अनुचरण अनुसरण वहीं तक करना चाहिए जब तक धर्मी में वो बाधा न डाले, धर्मी स्वरूप की सेवा में वो सहयोग रूप हो, तब तक धर्म जो बाह्य धर्म है उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। तो यहां गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आप उन सब धर्म में हमें कहां भेज रहे हो, साक्षात धर्मी स्वरूप आप हमारे सामने खड़े हुए हो, हम आपकी शरण में हैं। ये हुआ पुष्टि मार्गीय शरणागति का प्रकार। और वहां अर्जुन ने जो शरणागति की बात करी, भगवान ने कहा सर्व धर्मों को छोड़ दे, तो उसके मन में भय आ गया कि मैं ये सब धर्मों को छोड़ दूंगा तो फिर मेरी मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। वो धर्मी स्वरूप साक्षात खड़े हुए हैं। यहां तक कि भगवान ने अपना विराट स्वरूप बता दिया, फिर भी प्रश्न करता है प्रभु मुझे बताइए कि साकार स्वरूप की सेवा उत्तम है कि निराकार की सेवा उत्तम है। अरे प्रभु कह रहे इतना सब बता दिया फिर ऐसा प्रश्न, साक्षात साकार स्वरूप बता दे रहे फिर भी वो प्रश्न कर रहा है। और फिर भगवान ने कहा कि अहम तो हम सर्व पापे भी हो, तू मेरी एक माम एकम, मेरी एक शरण में आ जा, मैं तेरे सब पाप को नष्ट कर दूंगा। वहां पे पाप पुण्य की बात है कि उस धर्म से च्युत होने पर भी तुझे पाप नहीं लगेगा। और यहाँ गोपियां स्वतः उन धर्मों को छोड़कर धर्मी स्वरूप की शरण में आ गई हैं। तो ये हुआ पुष्टि मार्गीय शरणागति, ये भेद है। इसीलिए श्री हैराय जी क्या कह रहे हैं, शहराय जी के जो पुष्टि मार्गीय लक्षणानी के ग्रंथ में जो आप आज्ञा कर रहे हैं, धर्म निष्ठा यत्र नैव पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है कि धर्म निष्ठा यत्र नैव, यहाँ पे धर्म निष्ठा की बात नहीं है। हम तो यहाँ पर हमारे विवाह आदि में भी प्रसंगों में भी ये जो स्थापन करना, कुल देवता बैठाना, गणेश स्थापन करना, केवल हमारे धर्मी के अनुरूप है, श्री आचार्य जी के आज्ञा है, इस भाव से करते हैं। धर्मी निष्ठा के भाव से उन सब की स्थापना की जाती है। उनकी स्थापना करने से कि गणेश जी मेरे सब विघ्नों को दूर कर देंगे, मेरी मेरी कुल देवी है, मेरी कुल देवता है। कई लोग तो अपने अपने घर में भी कुल देवी के फोटो लगा कर रखते हैं, उनके आगे दिया रखते हैं, उनके आगे वो करते हैं, फलाना ढिकना। अरे साक्षात तेरे घर में धर्मी स्वरूप जब विराजमान है तो फिर उन सब की चित्र की आरती उतारना, उनके आगे भोग धरना, वो कहां बाकी रह जाता। मूल सींचे वृक्ष सींचा है।
तो ये सब धर्म कब तक करने हैं कि जब ठाकुर जी की सेवा में अनुकूल हो। ये है पुष्टि मार्गीय शरणागति का प्रकार। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारे प्रेष्ट हैं, आप ही धर्मी स्वरूप हैं, सभी धर्म आपका ही प्रतिपादन करते हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, कुर्वन्ति ही त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन नित्य प्रिये पतिसुता दिविरा नित्य प्रिये पतिसुता दिविराति रहि किम तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशामृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। नित्य प्रिये पतिसुता दिविरार्ति देहि किम, ये सब देह संबंधी पति सुतादि का क्या प्रयोजन, यह सब संबंध तो केवल देह संबंध से है। जैसे ही देह से संबंध समाप्त हो जाएगा तत्काल ही ये सब संबंध भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर हे प्राण प्रेष्ठ, आत्मा के संबंधी तो आप ही हैं, इसलिए तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या, हे अरविंद नेत्र आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए तथा प्रसन्न होइए, क्योंकि आपके साथ का हमारा संबंध ही एक शाश्वत नित्य संबंध है। फिर हमारा ये देह हो या हम कोई भी योनि में क्यों ना हो, लेकिन आत्मा के साथ का जो हमारा संबंध है वह संबंध ही हमारा नित्य है। और ये सब परिवार स्वजनों के जो संबंध है ये तो जब तक शरीर है तब तक ही टिका हुआ रहेगा। इसलिए मूल धर्मी स्वरूप आप हैं, अब आप हमको दूसरे धर्म के ओर न भेजें, हम आपकी शरण में हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसको पुष्टि मार्गीय शरणागति कहा जाता है। बड़ा अद्भुत भाव हमारे आचार्यों ने बताया है प्रियजनों। मैं आशा रखता हूं कि मैं अल्पमति के अनुसार ये जो आचार्यों की वाणी है, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि पूरा प्रकार से मैं आपको समझा पाऊं, लेकिन जो अल्पमति है बड़ों की कृपा है, उस कृपा का अनुसंधान करते हुए मैंने प्रयास किया कि ये जो पुष्टि शरणागति और मर्यादा शरणागति का क्या भेद है, कितना विलक्षण भाव है और कितनी ये मर्यादा शरणागति से पुष्टि मार्गीय शरणागति कितनी श्रेष्ठ है। ये जो सिद्ध हमारे आचार्यों ने किया है, मैंने अपने यथामति प्रयास किया कि आप सब समझ पाए, तो हम सब बड़े ही फॉर्चुनेट, हम सब भाग्यशाली हैं कि श्री आचार्य श्री वल्लभ की कृपा से ये पुष्टि मार्गीय शरणागति हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा फिर हमारे लिए और कोई धर्म आदि फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। माम एकम, बस एक और एक धर्मी स्वरूप की सेवा। हाँ, जब प्रसंगोपात जीवन में जब अवसर आते हैं तो स्थापना आदि का जो प्रकार है ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कई बार नवरात्रि का समय आ जाता है तो कोई अन्य देवी देवी की पूजा में अनुष्ठान करते हैं, देवियों की स्थापना करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो ये सब देख के मन बड़ा विचलित हो जाता है कि भाई तुझे कितना बड़ा अधिकार ठाकुर जी ने श्री वल्लभ ने दिया है और फिर तू अभी तक कहाँ भटक रहा है। जब साक्षात धर्मी स्वरूप तुझे पधरा दिए, उसकी शरणागति तुझे करवा दी, फिर भी तू अब सब इन सब चक्करों में पड़ा हुआ है। तो कहने का प्रयोजन, अपनी जो पुष्टि मार्गीय शरणागति है ये अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। शरणागति के विषय में, शरणागति के लक्षण के बारे में, ऐसी शरणागति केन प्रकारेण सिद्ध हो, इन सब विषय में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। दो दिन का जो समय है, आज का दिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कल हम फिर से इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो बस ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज की यह निर्जला एकादशी, आप सब यूएस में वहां पे रात्रि का समय है तो आपके वहां पे आज की एकादशी है, हमारे यहाँ पे द्वादशी है, तो आपको सबको एकादशी की मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। और बस हमारी एकादशी यानी हमारी एकादश इंद्रियां केवल और केवल एक श्री ठाकुर जी में लगी हुई रहें, यही मनोभाव के साथ मैं अपने वाक पुष्पों को श्री ठाकुर जी में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की। जय जय श्री, आप श्री ना चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर रीते आप श्री मर्यादा ने कुश्ती नु शरणागत समझायो, बहुत सुंदर रीते। जय जय धन्यवाद प्रणाम, आप श्री काल विराजो। जय जय हाजिर उदास भार्गव भाई। जय जय भार्गव।
આપ બહુ સુંદર રીતે છેલ્લા બે કલાકથી ભગવત શરણ ગતિ વિશે બધા વૈષ્ણવને લાભ આપ્યો. તો શ્રીજી મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રીજી મંદિરના મેનેજમેન્ટ તરફથી ખાસ ખાસ દંડવત પ્રણામ, અને આવતીકાલે આપને બહુ આતુરતા જોઈએ. બહુ સુંદર ઠાકોરજીની કૃપા, અમને પણ આનંદ થયો. જય જય કલ્પેશના દંડવત પ્રણામ. જય જય. હા કલ્પેશ, હા જય જય. આપણે કાલે ફરીથી વહેલા મળીશું, ફરીથી એક વાર દંડવત પ્રણામ. જય જય. જય જય વલ્લભાદિ સખી. જય 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 વૈષ્ણવો. જે જે પધારી ગયા છે સર્વે વૈષ્ણવો ને જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે અનમ્યુટ કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો. બીજું આજે ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે, આપણે યુટ્યુબ નહીં મૂકીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય એકાદશી ના સર્વે વૈષ્ણવબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા વૈષ્ણવ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. એકાદશી ના એકાદશી જય શ્રી કૃષ્ણ. વિનોદાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.